विकास नगर में सरकार की जमीन पर अवैध कब्जा करने का मामला सामने आया है। दरअसल ग्रामीणों ने उप जिला अधिकारी पत्र के माध्यम से जानकारी दी थी कि गांव के ही एक व्यक्ति ने ग्राम पंचायत की भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया है। वहीं उप जिला अधिकारी विनोद कुमार ने कहा कि शासकीय भूमि पर अवैध कब्जों की जांच के लिए एक टीम का गठन किया गया है, साथ ही मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी। विकास नगर से संवाददाता राहुल सिंह रावत की रिपोर्ट। आम समाज में जो ये ज़मीन थी खाली पड़ी थी, लोगों ने धीरे धीरे करके इस पर कब्जा करना शुरू कर दिया सर। जब हम इस पर मंदिर बनाने की कोशिश कर रहे थे सर, तो उन्होंने हमें यहाँ पे मंदिर नहीं बनाने दिया गया। तो फिर उसके बाद यहाँ पे हमने सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत करी और शिकायत के माध्यम से वो लोग आए यहाँ पर, तो उन्होंने निशानदेही करी रस्सी से और जब वो यहाँ से चले गए उसके बाद 5-7 दिन के बाद उन्होंने भू माफिया लोगों ने वो रस्सी उखाड़ दी और खुंटे वगैरह उखाड़ दिए। अभी जो विभिन्न ग्राम समाज की ज़मीनों पे या अन्य जगहों पे जो कब्जे की कार्रवाई की जा रही है, इसको लेके एक हमारे द्वारा टीम का गठन किया गया है जो तहसीलदार साहब की अध्यक्षता में है, तो आज उनके द्वारा विजिट भी की जाएगी और आगे उस पर क्या कार्रवाई की जानी उनके द्वारा।